सभी को सो अभी तो मैं यार ट्रैवल कर रहा था, लेकिन अभी जैसे ही ट्रैवल कर रहा था वैसे ही मेरे को कॉल आया और कॉल पे बोला गया कि सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। बिफोर मूविंग अहेड इन दिस वीडियो, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं दैट दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू कैन गेट योर अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अभी आप लोगों को मिल रहा है 20% ऑफ यूजिंग माई कोड PDNS10 ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शन। तो जाओ फटाफट और अपना इस कोड का फायदा उठा के यार सब्सक्रिप्शन तुरंत उठा लो। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप लोग अगर लॉ स्टूडेंट हो और अगर क्लैट की तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और आप लॉ सब्सक्रिप्शन पे भी 20% ऑफ जरूर उठा सकते हो। साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्लैट के जो प्रिंटेड मॉक टेस्ट है वो ऑलरेडी आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही में इस मंथ के मई 2023 के जितने भी हम लोग मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं उसमें काफी सारे ऐसे टेस्ट सीरीज है यार जो कि बिल्कुल फ्री है, और कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि आप प्लस के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो, जो कि बहुत ही सीक्रेट वाले हैं, जो कि बहुत ही टॉप नॉच वाले हैं। आपको मैं बता देता हूं कि इन सभी मॉक टेस्ट सीरीज, इन सभी टेस्ट सीरीज का आप एक्सेस कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, और इसका कैलेंडर आपके स्क्रीन पर दिख रहा हो कि किस दिन कौन सा मॉक आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना और उस पर क्लैट को अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए दो बैचेस जो है वो लॉन्च कर दिए गए, जिसमें से कि एक है आपका द वॉरियर्स बैच, विच इज वन ऑफ द बेस्ट बैच इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, और अगर आप क्लैट के एस्पिरेंट हो इस बैच को जरूर लेना। और आपको बता दूं कि अगर अनअकैडमी का आप क्लैट सब्सक्रिप्शन लेते हो ना तो एक सब्सक्रिप्शन पे आपको लगभग सारे के सारे बैचेस का आप एक्सेस कर सकते हो और सारी चीजों का जो कि प्लस में आप एक्सेस कर सकते हो। साथ ही में जितने भी लोग हैं यार जो पीजी सीयूईटी देख रहे हैं DULLB के लिए, आप सभी लोगों के लिए भी एक बहुत ही स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है। मुझे पता है काफी सारे ऐसे जो कैटेगरीज होती है लॉ में जिसको काफी लोग और काफी प्लेटफॉर्म जो उसको कवर अप नहीं करते, अनअकैडमी इज हेयर टू कवर अप ऑल दोज, चाहे उसमें भाई कितनी भी कम कंपटीशन क्यों ना रहे, कितने भी कम बच्चे क्यों ना रहे, वी आर हेयर टू सर्व यू और वी विल सर्व यू। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सारी चीज़ों का, जहाँ से आप जाके इन सभी का एक्सेस कर सकते हो जो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल हो। और हाँ, अनलॉक 20 तो पता ही है ना, अभी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, तो जाके फटाफट इस ऑफर को ग्रैब कर लो मेरे भाई। देखो यार, सबसे पहले बता देते हैं कि इस रिजल्ट को आप किस किस माध्यम से एक्सेस कर सकते हो, ये जानकारी आपको देनी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला तरीका ये है यार कि आप cbseresult.nic.in पे जाओ। अगर आप बस ये अपने URL वाले में जाके अगर पेस्ट करते हो cbseresult.nic.in, तो उसके बाद क्या होगा कि वहां पर खुलते ही तीन लिंक्स आपको दिखेंगे। कंफ्यूज मत होना, तीनों अलग अलग लिंक्स नहीं है, तीनों एक ही लिंक्स है, मतलब सर्वर अलग अलग होते हैं। तो तीनों में से कोई भी एक पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करना, उस लिंक में जाना, और उस लिंक में जाने के बाद थोड़ी पसीना भी आ रहा है, लेकिन उस लिंक में जाने के बाद क्या करना यार, अपना जो क्रेडेंशियल्स मांग रहे हैं वो बेसिकली तुम्हारे रोल नंबर मांग रहे हैं एडमिट कार्ड का, और तुम्हारे स्कूल कोड मांग रहे हैं, और शायद डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं। तुम एक बार चेकआउट कर लेना, वो सारी चीजें दोगे तो उसके बाद तुम्हारा जो रिजल्ट है वो तुमको सामने दिखने लगेगा, ठीक है। अब वही जो रिजल्ट है वो जैसे ही तुमको दिख जाता है, वो रिजल्ट जैसे ही मिल जाता है, उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में आके जरूर लिखो कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आया। मैं और भी आपको वेज बता देता हूं, अगर मान लो किसी कारणवश तुम्हारा cbseresult.nic.in से नहीं खुल रहा है, तो एक काम करो कि तुम डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड कर लो, और डिजी लॉकर ऐप पे तुरंत अकाउंट बन जाता है, आधार कार्ड का नीड है और आधार कार्ड जिस फोन से लिंक है उसका नीड है, वहां से जाके तुम डिजी लॉकर ऐप जो है वो डाउनलोड कर लो। और डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करके उसमें आप इशू डॉक्यूमेंट में जाना, इशू डॉक्यूमेंट में जाने के बाद आप मार्कशीट क्लास 12, याद रहे ये जो अभी रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का ही आया है, तो इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि मार्कशीट क्लास 12 आप सर्च करोगे, बाहर के लोग देख रहे हैं कि मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट हाँ मार्कशीट क्लास 12 आप रिजल्ट करोगे, अगर आप वहां पर इशू करोगे तो आपको मिल जाएगा मार्कशीट, मिल जाएगा माइग्रेशन, शायद दोनों चीज अभी आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं तीसरे मेथड पे। तीसरा भी मेथड एक है लेकिन उसकी जरूरत नहीं होगी, पहले आप इन दो मेथड्स को ट्राई कर लो, इन केस नहीं आता है तब फिर आपको आप कमेंट कर देना, मैं इसमें कमेंट में कोई रिप्लाई करवा दूंगा उस अकॉर्डिंगली, ठीक है। नाउ देखो यार, रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, रिजल्ट खराब भी हो सकता है, बट तुम्हारा जो भी रिजल्ट है वो तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और नीचे जाके कमेंट में अपना रिजल्ट जरूर बताना जो तुम्हारा आया है और जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया यार तब तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और एक्सपेक्टेशन से कम आया है तो देर आर सो मेनी वेज इन विच यू कैन एक्चुअली कैसे समझाओ, तुम अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हो बाय इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स, ये सब देके तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो। वो सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, रिजल्ट अगर किसी भी कारणवश गड़बड़ाया है तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। लास्ट में जाते जाते रितु भैया का एक मैसेज ले लो यार। देखो मैं जानता हूं रिजल्ट इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इट मैटर्स एंड इट मैटर्स अ लॉट, ठीक है, इट डेफिनेटली मैटर्स, लेकिन पॉइंट पता है क्या है यहां पर रिजल्ट का, कि रिजल्ट जो होता है ना तुम्हारा, वो तुम्हारा फर्दर मोर जो आगे तुम जो भी करियर देख रहे हो वो करियर नहीं डिसाइड करेगा रिजल्ट।
रिजल्ट का काम है। हाँ भाई, कुछ अगले स्टेप्स में तुम्हारी हेल्प करेगा, कुछ अगले स्टेप्स में तुम्हारी दिक्कत ला सकता है या फिर खुशियां भी ला सकता है, बट जिंदगी भर का रिजल्ट नहीं डिसाइड करता कि जिंदगी भर क्या होगा। तो इसी वजह से मैं यही कहूंगा यार कि उसका टेंशन मत लेना, हम हैं, हमेशा खड़े हैं, कोई भी दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएगी, वी आर हेयर टू हैंडल एंड वी विल हैंडल इट टुगेदर, देयर इज नो इश्यू, है ना। देखो यार, प्लीज किसी भी तरह का स्टेप या किसी भी तरह का गलत जो तुम्हारे मन में कुछ भी अगर आ रहा है तो वो मत उठाना, ठीक है, बस इतना ही कहूंगा। और जो भी बेस्ट कहते हैं ना, जो भी बेस्ट सिचुएशन है अभी, जो भी वर्स्ट सिचुएशन है अभी, दीज ऑल आर द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, ऊपर वाला तुमको चैलेंज दे रहा है यार, ठीक है। तो किसी भी तरीके का खराब सोच, नेगेटिव सोच रखने की जरूरत नहीं है, वी विल हेल्प यू एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू यार। तो चिल मारो, नीचे जाके अपना एक्सपेक्टेड और जो आया है रिजल्ट वो जरूर लिखना, वेट रहेगा आप सभी के कमेंट का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।